जब भी मैं दीक्षा के बारे में सुनता था तो मुझे लगता था कि किसी इंसान को धर्म के प्रति ज्यादा लगाव हो जाता है तो वो दीक्षा ले लेता है। एंड इट्स ओवरऑल ओके कि किसी इंसान को धर्म के प्रति ज्यादा मोह होता है और किसी इंसान को संसार के प्रति। पर जैसे जैसे मैं इसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को समझता गया तो समझ में आया कि जो भी इंसान दीक्षा ले रहा है और जिन्होंने दीक्षा ले ली है उसको छोड़ के दुनिया का हर इंसान अंधा है। एंड ट्रस्ट मी दैट इट्स ट्रू, क्योंकि सिर्फ संसार को छोड़ने वाला इंसान ही वो सब देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि शरीर की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए और वो ये सोचते हैं आत्मा की सुंदरता कैसे बढ़े। हम शरीर साफ करके ये समझते हैं कि हम साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहन के हम सोचते हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड हैं, और वो शरीर और कपड़ों के बारे में तो सोचते ही नहीं है क्योंकि उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि जो यहीं छोड़ के जाना है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आत्मा को साफ करते हैं। हमसे कई गुना ज्यादा दूरदर्शी होते हैं वे। हम तो अभी तक ये बातें करते रहते कि छोड़ो ना यार, अगला जन्म किसने देखा है, वो होता भी है या नहीं, अभी तक इसमें उलझे हुए हैं। और ये तो अपने आने वाले कई जन्मों की तैयारी भी कर लेते हैं। अगर बहुत कुछ कमाने के बाद भी या लाइफ में बहुत कुछ पाने के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं है, सुकून और शांति के लिए अलग अलग जगह हॉलीडेज जाते हैं, मेडिटेशन, योगा या स्ट्रेस कम करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, मतलब हमारी चाहत का सब कुछ होने के बाद भी अगर सुकून और शांति नहीं है तो फिर दीक्षा तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद तो आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आपकी लाइफ में सिर्फ परमात्मा का नाम, सुकून और शांति है। आप पूरी लाइफ के प्रोसेस को देखिए, हम सच में शांति और सुकून से कोसों दूर हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ शांति और सुकून है। हमें सब पता होने के बाद भी हम दीक्षा नहीं ले पाते क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता या इंसान संसार की उलझनों में इतना उलझ जाता है कि इस कारण हर कोई दीक्षा नहीं ले पाता। कहते हैं दीक्षार्थी इतने क्यों सस्ते सवरते हैं जबकि वो तो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा विदाई समारोह भी क्यों, इतना दिखावा क्यों। जेन्युइनली किसी भी दीक्षार्थी की कोई सजने सवरने की इच्छा नहीं होती है, ना ही कोई विदाई समारोह या कोई फंक्शन की इच्छा होती है। वो तो माता पिता परिवार की पूरी इच्छा होती है कि एकदम सज धज के सब कुछ संपन्न हो, इसलिए ये सब होता है। वरना दीक्षार्थी को तो अपनी खुशी सिर्फ और सिर्फ रजोहरण में दिखती है, परमात्मा में दिखती है। आपको पता है जब दीक्षार्थी की विदाई होती है तो माता पिता और हम सबकी आंखों में आंसू आते हैं, पर दीक्षार्थी के चेहरे पे तो अलग ही मुस्कान होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो प्रकार के राग होते हैं, एक व्यक्ति राग और दूसरा गुणों का राग। हम व्यक्ति राग में होते हैं इसलिए बेटी, बहन, माँ, दोस्त, ये सबका मोह हमें रुलाता है। पर दीक्षार्थी को तो परमात्मा के गुणों से राग होता है, उसे इस संसार से अब कोई लेना देना नहीं है, वो तो परमात्मा के प्रेम में अपनी आत्मा को अर्पण कर चुकी है। मैं एक एक शब्द बहुत दिल से कह रहा हूं और सच में बहुत सारी बातें सोचने लायक है हमारे लिए। इनका विजन और इनकी सोच हमसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। जिसकी विदाई समारोह में और जिसकी दीक्षा में आने के लिए आप कई नई साड़ियां, नई शेरवानी और नए कपड़े खरीद के आते हैं, वो इंसान अपनी विदाई में सब कुछ छोड़ने के लिए आता है। आप इस फंक्शन में आए हो और कोई आपको बोल दे, अरे ये साड़ी तो तूने लास्ट टाइम वो फंक्शन में भी पहनी थी, तो आपको अंदर से भारी इंसल्ट महसूस होती है, राइट? और ये तो सब कुछ छोड़ के रिपीट वो कपड़े पहन रहे हैं जो पिछले हजारों साल से चले आ रहे हैं। ना कोई कलर चॉइस, ना ही कोई स्टाइल चॉइस। भले ही आप जारा, H&M, लिवाइस या कोई और ब्रांड पहन रहे हो, पर जेन्युइनली वैल्यू तो इन सफेद कपड़ों की ही ज्यादा है। एक्चुअली हम इन सफेद कपड़ों की वैल्यू वास्तव में नहीं समझ पा रहे हैं और शायद सही तरीके से दुनिया को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की हर प्रॉब्लम्स, जिसको कम करने के लिए दुनिया का हर बड़ा इंसान अपील करता है, उसका पालन हमारे साधु साध्वी हजारों वर्षों से आज भी करते आ रहे हैं। सेव वाटर, नॉन वायलेंस, एनिमल क्रुएलिटी, हंगर, प्लास्टिक फ्री लाइफ, नो रेडिएशंस, सेव इलेक्ट्रिसिटी, एयर पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन,
वाटर पॉल्यूशन, केमिकल फ्री क्लोथ्स, मिट्टी के बर्तन, विच इज गुड एज हेल्थ वाइज एज वेल एज जॉब फॉर लोकल पीपल। आई मीन इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करते जिससे कि देश, दुनिया, किसी इंसान या किसी भी प्रकार के जीव को नुकसान पहुंचे। एंड जेन्यूनली हम ये बात अच्छे तरीके से दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं, वरना इस हर चीज के रोल मॉडल जैन साधु साध्वी होते। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी और काइंडनेस स्प्रेड करके लाखों लोगों के जीवन को भी साधु साध्वी भगवान सही दिशा देते हैं। लोग कहते हैं कि संसार में रह के भी ये सब किया जा सकता है, पर वास्तव में प्रैक्टिकल ये पॉसिबल ही नहीं है। संसार में रह के हम सब कषायों से मुक्त नहीं रह सकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सब दीक्षा ले लो, मत लो, पर वास्तव में दीक्षा क्या है, संयम क्या है, साधु जीवन क्या है, इस धर्म की डेप्थ क्या है, इसको अच्छे से समझ लो और इसको सही तरीके से दुनिया के सामने रखो, सही तरीके से स्प्रेड करो। ये स्प्रेड मत करो कि जैन धर्म बहुत महान है, इससे लोगों को लगता है कि आप अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हो। भले ही आप सही हो, लेकिन आपके बताने का तरीका ऐसा होता है जैसे सिर्फ हमारा धर्म ही महान है, बाकी सबका धर्म हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एंड जेन्यूनली ये सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे बेटर है कि आप लोगों को बताओ कि हमारे सन्यासी का जीवन कैसा होता है, हमारा धर्म किस तरीके से साइंस के रास्ते पे चल रहा है, कितना त्याग करना पड़ता है ये सब पालन करने में, इस भौतिक सुखों वाले संसार में भी किस तरीके से हमारे साधु साध्वी हजारों सालों से दुनिया की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के त्याग का जीवन जीते हैं। और ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटीज है जो शायद मुझे भी नहीं पता, पर हम सबको इसकी डेप्थ में जाके दुनिया को ये सब बताना है। सुख जो है वो वस्तुओं या भोग में नहीं है, वो त्याग में है। अगर सुख भोग में होता तो संसार का हर इंसान सुखी होता, पर इंसान का तो पता नहीं, लेकिन हर गुरु भगवंत के चेहरे पे सुख का एक अलग ही आभास होता है। कई लोग मजाक में या धर्म की समझ ना होने की वजह से कह देते हैं कि भाई दीक्षा कौन लेता है, जिसकी कमाने की ताकत ना हो या जिम्मेदारी से दूर भागता हो। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता तो हर भिखारी दीक्षा ले लेता। दीक्षा वो ही इंसान ले सकता है जिसको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। भिखारी को तो एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ मिलेगा, पैसे वाला बनूंगा या और कुछ। और साधु भगवंत को, उनको देखिए, थोड़ी सी गोचरी भी ज्यादा आ जाए तो बोलते हैं खप नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कल जो मिला खा लेंगे, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए इनके बारे में कुछ भी बोलने के पहले इसकी डेप्थ को जरूर समझे। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जो लाइफ टाइम लोच करके, मतलब एक एक बाल को खींच के निकाले, पैरों में कांटों की चुभन को रोज महसूस करे और कई कठोर पालन के साथ अपना जीवन हंसते हंसते गुजारे, ऐसे साधु साध्वी की हमेशा अनुमोदना करे। हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, दैट इज ओके, पर हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए या दीक्षा नहीं देनी चाहिए, ये सब बातें करने से पहले एक बार अच्छे से संयम जीवन की डेप्थ समझ ले, फिर जो भी स्टेटमेंट देना है, जो भी स्टेटमेंट कहना है वो कहे, लेकिन प्लीज बिना नॉलेज के ज्ञानी बन के पाप का बंधन ना करें। आत्मा दिखती नहीं है और शरीर दिखता है, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उसकी समझ हर इंसान को नहीं है, पर जिसका आत्मा से मिलन हो गया उसका बेड़ा पार है। ऑलवेज रिमेम्बर, जो चीज दिखती नहीं है उसका पावर हमेशा ज्यादा होता है। पानी कभी भी हवा का रुख नहीं बदल सकता, लेकिन हवा पानी का रुख बदल सकती है। जो इंसान शरीर से प्यार करना बंद करके आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचता है, वो इंसान हमसे कई गुना ज्यादा दूरदर्शी है। उस इंसान की आत्मा का पावर हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हमेशा अपना जजमेंट पास करने के पहले सब कुछ जान लेना चाहिए। इनके विजन और इनकी सोच का आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर आपके बिजनेस में आप कोई सौदा करो और उसमें करोड़ों रुपए आपको मिल जाए, तो आपको लगता है कि वाह मजा आ गया, क्या फायदे का सौदा हुआ है। और कोई इंसान ऐसे करोड़ों रुपयों को एक पल में छोड़ के संसार छोड़ दे और महसूस करे कि आहा क्या फायदे का सौदा हुआ है, सब कुछ छोड़ने से तो आत्मा और परमात्मा से मिलन हो गया है, ये होती है दीक्षार्थी और साधु भगवंत की सोच। अब आप सोचो और बताओ कि किसकी सोच और किसका विजन ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद माँ बाप का क्या, उनको ये बता देता हूं कि जहां तक मेरा नॉलेज है,
पूरे देश में किसी भी दीक्षार्थी के माँ बाप दुखी नहीं है और किसी भी दीक्षार्थी के माँ बाप अनाथ आश्रम में भी नहीं है। और पूरे समाज से कहूंगा कि कोई भी दीक्षार्थी परिवार अगर तकलीफ में है और उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक या सामाजिक सहयोग की जरूरत है तो ये हम सबका कर्तव्य है कि समाज की तरफ से उन्हें सहयोग और सहायता मिले, क्योंकि दीक्षार्थी के माता पिता को समाज के माता पिता का दर्जा दिया जाता है और हमारे माता पिता की हर तकलीफ का सॉल्यूशन करना यह हमारा कर्तव्य है। जब मैं दीक्षार्थी से मिला था तो मैंने पूछा था कि आपको दीक्षा का भाव कैसे आया। उन्होंने कहा कि जैसे ही परमात्मा को देखती हूँ या उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं खो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है। एंड जेन्यूनली जब ये शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे तब वो चेहरे पे खुशी, वो पॉजिटिविटी, ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जैसे सब कुछ मिल गया हो उन्हें। तब मैंने महसूस किया कि वास्तव में ये जो देख रही है वो हम नहीं देख पा रहे हैं और इसीलिए मैंने हम सबको अंधा कहा था। जब आप वो पल देखोगे ना कि दीक्षार्थी माता पिता और परिवार का वधामना करती हैं, वो एक एक चावल का दाना जब दीक्षार्थी के हाथ से निकल के माता पिता को स्पर्श करता है ना, आप महसूस करना, ऐसा लगेगा कि मानो देवी देवता खुद आपका बहुमान कर रहे हैं। एहसास होगा आपको कि आप किसी महान इंसान के परिवार का हिस्सा हो। उस पल माता पिता को आभास होता है कि वो कितनी महान आत्मा के माता पिता हैं। दीक्षार्थी बहन, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ और वंदन करता हूँ आपको। और हाँ, इनके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और परिवार वालों से कहता हूँ कि आप बहुत नसीब वाले हो कि एक पुण्यात्मा के नज़दीक आपने लाइफ के बहुत सारे पल गुजारे हैं। आप सबसे मैं एकदम दिल से कहता हूँ कि कल से तो आपकी बेटी, बहन, दोस्त आपकी नहीं रहेगी। आज जी भर के गले लगा लेना, आज जी भर के प्यार कर लेना, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा। कल से ये हम सबको छोड़ के संयम पथ पर विदा हो जाएगी। अब तक आपकी बेटी आपके घर की रोशनी थी, कल से तो ये जैन कुल की रोशनी बन जाएगी। दर्द होगा आपको कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दोस्त अब आपकी नहीं है, पर हमेशा अभिमान रहेगा कि इसने उस मार्ग को अपनाया है जिस मार्ग को सिर्फ महापुरुष और महाज्ञानी लोग ही अपना सकते हैं। परम पूज्य गुरु भगवंत और साध्वी जी महाराज साहेब, जिनकी निश्रा में ये दीक्षा हो रही है, उनको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ कि जिनकी वाणी में, जिनके विचारों में, जिनके त्याग में इतनी ताकत है कि जिनके प्रभाव मात्र से ही बहन ने संयम पथ पर जाने का निर्णय लिया है। गुरुदेव, मेरी तरफ से और यहाँ बैठे सभी लोगों की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। और दीक्षार्थी बहन, तहे दिल से आपकी अनुमोदना। कहने को तो बहुत कुछ है पर शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे इन शब्दों में अगर मैंने जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो या ऐसा कोई भी शब्द कहा हो जिससे किसी को भी तकलीफ पहुंची हो तो